सूर्य उपासना का महापर्व डाला छठ को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इस बार भी विधि विधान से इसको मनाने की तैयारी है। इसकी शुरुआत हो चुकी है और हमारी मौजूदगी इस समय वाराणसी के 80 घाट पर है। लाखों लोगों की यहां पर मौजूदगी होती है छठ पर्व के दौरान और हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि देखिए वेदियां बनाकर इस पर्व को मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये देखिए, ये केवल वाराणसी से ही नहीं बल्कि दूर दराज राज्यों से भी आने वाले श्रद्धालु यहां पर होते हैं और बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस पर्व में अनेक कड़ियां जुड़ी होती हैं, चाहे खरना की बात कर ले, नहाए खाए की बात कर ले, इसको इसके अलावा भगवान सूर्य को अस्त होते हुए अर्घ देने की बात कर ली जाए या फिर उनके सूर्योदय समय अस्त अर्घ देने की बात कर ली जाए, ये परंपरा इस पर्व को खास बनाती हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जहां भी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं इसको उसी विधि विधान से मनाते हैं। हमारे साथ गोपाल त्रिपाठी जी जुड़े हैं, इसके अलावा प्रियंका जी जुड़ी हैं जो लोक गायिका हैं। लोक गायक गोपाल त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस बार कैसे मना रहे हैं छठ पर्व। गोपाल जी, आप बिहार के गोपालगंज से आते हैं और यह पर्व वहां से ही शुरू हुआ था, कैसे मना रहे हैं इस बार और क्या अलग तस्वीर देख रहे हैं इस बार? हम गायक गोपाल त्रिपाठी अपन साथी कलाकार प्रियंका के साथ एबीपी के सभी दर्शकन के सादर प्रणाम करता नहीं और काशी के अद्भुत बाबा विश्वनाथ के नगरी 80 घाट से इस समय हम लोग बानी जा। आप सही बोल रही, बिहार गोपालगंज में हमारा जन्म भइल बा और देवरिया उत्तर प्रदेश के हमार जौन बा प्राचीनतम पीढ़ी बा और हमनी के मिट्टी से ही छठ के शुरुआत बा और छठ में विशेष करके जौन बा छठी मैया और यश ख्याति प्रसिद्धि के जौन सूरज देवता आदित्य देवता के पूजन होला और 3 दिन तक बड़ी कठिनता से जौन बा माई लोग, चाची लोग, बहन लोग जौन बा एकर बड़ी कठिनता से एक एक नियम के पालन करके ही करेला और आज पहला दिन है जौन बा 3 विधि से एक मनावल जाला। पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना, फिर जौन बा अर्घ के ऊ होला और पहलका दिन है चूँकि हम लोग गायक बानी तो हम चाहत नहीं कि प्राचीनतम प्राचीन काल से जौन गाना गावल जाला तो एगो भाव बा हमारा अपना अंदाज में भाव बा कि केला के पतई पर जौन बा के अन छठी मैया के न्योता पिठावल जाता। आज पहला दिने बा और देखे कौने प्रकार से सायंकाल नहाए खाए में गंगा जी के किनारे अद्भुत दृश्य परिदृश्य भी देखे के मिलता और पूरा जौन बा छठी व्रत धारक लोगन के तरफ से हम गोपाल त्रिपाठी कौने भाव में अरे केरवा के पतावा पर नेवता पेठवनी नेवता करीना स्वीकार जी हाँ, केरवा के पतावा पर नेवता पेठवनी करीना नेवता स्वीकार जी लिहना अरग मोरा आदित्य गोसैया। जैसे मैंने बताया, हम बतैनी हाँ कि छठ माई में जौन अर्घ दिहल जला सूर्य भगवान के उनके आदित्य जी कहल जला कौने भाव में बा अरे लीना यारा घा मोरा आदित्य गोसैया बरती के सुन ली पुकार जी हाँ। कौने भाव में अरे दे हम अर्घ दुनो बेरा आदित्य हम सजिया फजीरे सवेरे के बिहाने के हमने के भोजपुरी में फजीरे कहल जला अरे दे हम अर्घ दुनो बेरा आदित्य हम सजिया फजीरे अरे दूसर अर्घ दे के मांगम आशीष हम गंगा जी के तीरे अरे दिन के सहैया दिन दुखिया के हमने के भोजपुरी में दिन कहल जला अरे दिन के सहैया रउे अरे रोग के हरैया अरे नाम करवैया रउआ अरे यश के फैलैया अरे दीना अरे कर दीही नाम उजियार जी हाँ अरे केरवा के पतावा पर नेवता पेठवने करीना नेवता स्वीकार जी। एगो डुइट गाना बा चूँकि हमारे साथी प्रियंका जी भी बाड़ी और हमने के काशी के नगरी से बानी जा तो हम चाहत हानी कि सबसे पहले महादेव जी के जरूर और जब आपके बतावत नहीं कि पति पत्नी कोई भी यदि व्रत के करेला तो पियरी पहन के ही व्रत के करेला। आप देखें हमार भी परिधान हमार भी वस्त्र पियर बा और कौने प्रकार से जौन बा महादेव भी जौन बा व्रत के अब तक घाट से एकदम कनेक्शन हो गया है ना तो किस प्रकार से महादेव अपने मंदिर से घाट तक गौरा मैया के साथ चलती हैं इस बात को हम लोग जो है काशी नगरी 80 से बताते हैं।
पिन्हले महादेव पियरिया, पिन्हले महादेव पियरिया, माथे दौरा उठाए, माथे दौरा उठाए, गौरा के सुभेला चुनरिया, गौरा के सोभेला चुनरिया, घाटे चले हर साल, घाटे चले हर साल। अरे पिन्हले महादेव पियरिया, पिन्हले महादेव पियरिया, माथे दौरा उठाए, माथे दौरा उठाए। और कौने भाव में जिंगन भी फलोग्रह सजा के जिंगन जमुना प्रकार से चलल जाला, महादेव और गौरा मैया भी वही प्रकार से छठ व्रत के मनावे खातिर। अरे फल फल हरिया से दौरा सजा के, सुन फल सुपवा में दिया ना जरा के, छठ माई करे हाथ जोरिया, छठ माई के करे हाथ जोरिया, भीख मांगे सिर नाय, भीख मांगे सिर नाय। गोपाल भाई, आपके जो संदेश हैं, आपके जो भाव हैं, वो हमारे दर्शकों तक पहुंच रहे हैं, और निश्चित तौर पर इस बार का जो छठ पर्व है उसकी जो अनुपम छटा है वो देखने को मिलेगी। और एक बार और हम तस्वीरें दिखा दें कि ये देखिए, दूर दराज से माताएं बहनें जो हैं वो अपने बेदियों को घेरने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि जगह जगह वो बेदियाँ बनाकर आज से ही इस छठ पर्व की शुरुआत की जा रही है। तो निश्चित तौर पर वाराणसी में डाला महा छठ पर्व को लेकर जो तैयारियाँ हैं उसको पूर्ण कर लिया गया है, और आज से यह पर्व शुरू भी हो चुका है।